गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पार्ट 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रश्न। बच्चों, इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, देख जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, पहला जो शब्द है उत्सव, तो उसका हमें सरल रूप में लिखना है। इसके लिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक की ओर चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपने बुक के पेज पर। यहाँ मैंने जो शब्द हमारे दिए गए थे उन शब्दों के अर्थ लिख रखे हैं, तो एक एक करके हम उन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जैसे कि पहला शब्द है हमारा उत्सव, इसका मैंने अर्थ लिखा है त्यौहार। दूसरा शब्द है परिश्रम, इसका अर्थ होता है मेहनत। तीसरा शब्द है हृदयगम, इसका अर्थ होता है मन में बिठाना। चौथा शब्द है अतिरिक्त, इसका अर्थ होता है अलावा। पांचवा जो शब्द है वो है ग्रहणशीलता, इसका अर्थ है रखने की क्षमता। और छठा जो शब्द है उसका अर्थ होता है भरण पोषण। प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटबुक की ओर। चलो बच्चे, अब चलते हैं नोट। प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने नोटबुक के पृष्ठ पर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो का नंबर का प्रश्न है वो है, ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हमें पता है प्यारे बच्चों, ईश्वर चंद्र का जन्म कोलकाता के निकट जो एक गाँव स्थित था वीर सिंह नाम का, वहाँ हुआ था। और इनका जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यहाँ देख लेते हैं अपनी नोटबुक पर। ईश्वर चंद्र का जन्म कोलकाता से 20 मील दूर स्थित वीर सिंह गाँव में 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ। अब हम करते हैं खा नंबर का प्रश्न जो है, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। तो हमने कहानी की व्याख्या में देखा था बच्चों कि ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल ही गए थे, क्योंकि वहाँ कोई साधन की उस टाइम पे व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी थी। इसलिए उनके पिता ने उनके समक्ष शिक्षा की उपयोगिता की बातें रखी थी। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा वो हम अपनी नोटबुक में देख लेते हैं बच्चों, कि ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल गए, पिता ने उन्हें रास्ते में शिक्षा की उपयोगिता की बात। गा नंबर का प्रश्न, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। जैसा कि हमें पता है, जो ईश्वर चंद्र जी थे वो बहुत ही ज़्यादा उदार और दयालु थे। तो वो जब भी किसी असहाय बच्चे को देखते थे तो उसकी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। तो इसका एक उदाहरण हम अपने उत्तर में देखते हैं कि ईश्वर चंद जब भी किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़ों में देखते तो उन्हें ऐसा लगता मानो उनका भाई हो, और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। अब हम देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, 8 नंबर का, ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो जैसा कि हमें पता है, उन्होंने एक परीक्षा दी थी जिसका नाम था वेदांत तथा दर्शन शास्त्र, और उस परीक्षा में वो उन्होंने टॉप किया था, तो उस कारण उनके नाम के साथ विद्यासागर जुड़ गया था। तो इसका उत्तर कैसे होगा प्यारे बच्चों, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की प्रतियोगिता में प्रथम आने के कारण जुड़ गया था। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की प्रतियोगिता में प्रथम आने के कारण प्राप्त हुए। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो हमें बताया प्यारे बच्चों कि जब ईश्वर चंद्र कोलकाता के लिए जा रहे थे तो दूरी बहुत ज़्यादा अधिक थी, और एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था, तो वहाँ जो मील के पत्थर थे तो उन पर अंग्रेजी के अंक लिखे हुए थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
पहली बार ही अंग्रेजी के अंक उस पर देखकर, मील के पत्थरों पर देखकर उन्हें याद कर लिया। इस घटना ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा, जब ईश्वर चंद्र जी अपने पिता के साथ अपने गांव से कोलकाता जा रहे थे, तब उन्होंने मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों को याद कर लिया। हमें इस घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि कोई इतनी कम आयु का बच्चा इतने कम समय में अंग्रेजी के अंकों को याद कर लेता है। अब बच्चों, अब हम इस पाठ के अगला प्रश्न हल करेंगे, जो है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो है का नंबर का, कि ईश्वर चंद के पिता का नाम डैश था, इसमें हम भरेंगे बच्चों ठाकुरदास। ईश्वर चंद के पिता का नाम ठाकुरदास था। जो खा नंबर का प्रश्न है कि धैर्य का सहारा लेने से डैश और आख्यान के सहारे डैश कट जाती है, तो धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारा सारे। बच्चों गा नंबर का जो खाली स्थान है वो है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे डैश अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया, तो दुर्लभ सिंह जी ने ईश्वर चंद जी को अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया था। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, अंग्रेजी। जो घा नंबर का खाली स्थान है वो है, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता था उसमें डैश को पढ़ाया करते थे। किसे पढ़ाया करते थे? विद्यार्थियों को। इसमें इस वाले खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों, विद्यार्थी। अड़ा नंबर का जो खाली स्थान है वो है, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, तो इस खाली स्थान में हम भरेंगे बच्चों प्रयास। बच्चों अब हम करते हैं भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न, जो है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब जो शब्द पहले प्रश्न के नीचे लिखे हैं उन शब्दों का हमें सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करना है, फिर उन्हीं शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखते हैं, जो हमारा पहला शब्द है वो है छात्रवृत्ति, दूसरा शब्द है पश्चिम, तीसरा शब्द है प्रसिद्ध, चौथा शब्द है श्रेणी, पांचवा शब्द है प्रेरणा, छठा शब्द है उपलक्ष्य, सातवां शब्द है धैर्य। ये तो इनके हो गए बच्चों उच्चारण। अब इनके वाक्य में प्रयोग के लिए हम चलते हैं नोटबुक। प्यारे बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी नोटबुक पर, यहाँ हम शब्दों के वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला शब्द है हमारा छात्रवृत्ति, इसका वाक्य है, गरीब बच्चों को विद्यालय से छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरा शब्द है पश्चिम, इसका वाक्य है, सूरज पश्चिम में डूबता है। तीसरा शब्द है प्रसिद्ध, इसका वाक्य है, अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। चौथा शब्द है श्रेणी, इसका वाक्य है, राजू हर बार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। पांचवा शब्द है प्रेरणा, इसका वाक्य है, हमें सफल लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। छठा शब्द है उपलक्ष्य, इसका वाक्य में प्रयोग है, त्यौहार के उपलक्ष्य पर मैंने नए कपड़े पहने। सातवां शब्द है धैर्य, इसका वाक्य में प्रयोग है, धैर्य रखने से विपत्ति दूर हो जाती है। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ तद्भव शब्द दिए, जैसे माह, धीरज, पत्थर, घी, दूध, इनके हमको तत्सम शब्द लिखना है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो हमें प्यारे बच्चों पता है कि जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत भाषा की उपभाषा है, यानी कि हिंदी संस्कृत से ही बनी है। तो जो शब्द संस्कृत से सीधे वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आया है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आया है उन शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। तो इन जो हमें इस तालिका में तद्भव शब्द दिए हैं
उनके तत्सम शब्दों को देखने के लिए हम अपनी नोटबुक की ओर चलेंगे। चलो बच्चों अब हम अपनी नोटबुक की ओर चलते हैं। बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी नोटबुक की ओर। अब हम यहाँ जो हमारे तद्भव शब्द दिए थे उन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बुक में बुक के पृष्ठ पर लिख रखा है। जैसे महाशब्द का तत्सम शब्द है वो है मास, धीरज का है धैर्य, पत्थर का है पाषाण, घी का है घृत और दूध का है दुग्ध। बच्चों अब हम इस पाठ का तीसरे नंबर का प्रश्न हल करेंगे जो है परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नीय शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस साइड पर कुछ हमें शब्द दिए हैं और उन शब्दों में हमें पूर्वक शब्द जोड़ना है और पूर्वक शब्द जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे। जैसे कि हमें एक एग्जांपल भी दिया, जैसे ये परिश्रम लिखा है इसमें हमने ये पूर्वक जोड़ा और ये हो गया परिश्रम पूर्वक। इसी तरीके से हम है ना सरलता में पूर्वक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ सरलता पूर्वक। विश्वास में पूर्वक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विश्वास पूर्वक। प्रेम में हम पूर्वक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रेम पूर्वक। उदारता में हम पूर्वक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उदारता पूर्वक। अब इसके दूसरी ओर देखते हैं हम, जैसे ये दिया है हमें निंद और इसमें हमें निय जोड़ना है तो निंद में जब हम निय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निंदनीय। इसी तरीके से उल्लेख में जब हम निय जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा उल्लेखनीय। गोप में जब निय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोपनीय। पूज में जब निय जोड़ेंगे तो बनेगा पूजनीय। पठन में जब निय जोड़ेंगे तो बनेगा पठनीय। इस चीज़ को मैंने जो कक्षा की किताब है उसमें लिखकर बताया बच्चों, उसे आप देख लीजिएगा, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं कक्षा की किताब के पृष्ठ की तरफ। अब हम आ गए हैं हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती उसके पृष्ठ पर। तो यहाँ जो हम पहले प्रश्न करके आए थे उसको मैंने लिखकर दे दिया है, आप यहाँ आसानी से इसे समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब हम हल करेंगे इस पाठ के चौथे नंबर का प्रश्न जो है, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए हैं, आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। तो हमें ये नीचे की तरफ एक तालिका दी है और इसी के ऊपर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये उन्नति, सत्य, असत्य, अवनति, शिक्षा, निर्धन, आशा, अशिक्षा, धनवान, निराशा, नया, सरल, मीठा, पुराना, कठिन, खट्टा। तो इसमें कुछ शब्द हैं उन्हीं के विलोम भी इसी में दिए हैं। विलोम मीन्स होता है बच्चों उल्टा, जैसे आमने का क्या होता है सामने, रात का दिन, सत्य का असत्य, इसी तरीके से कुछ शब्द दिए हैं इन शब्दों में और उनके विलोम भी इन्हीं शब्दों में। तो अपन को हमें छांटकर उन शब्दों को लिखना और उसी के सामने इस तालिका में ये जो तालिका दी है उसी के सामने उसका विलोम शब्द भी लिखना है। जैसे कि कुछ यहाँ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे अपन देख सकते हैं बच्चों, जैसे सत्य, तो सत्य का क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। उन्नति, उन्नति का यहाँ अवनति हो जाएगा। मैंने क्या किया बच्चों, जो आपकी किताब है उसके पृष्ठ पर इन शब्दों को छांटकर उन शब्दों को और उनके विलोम शब्दों को लिख दिया है, आप वहाँ से देखकर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन चलते हैं आपकी किताब के पृष्ठ पर। प्यारे बच्चों अब हम आ गए हैं आपकी किताब के पृष्ठ पर और यहाँ मैंने उन शब्दों को छांटकर और उनके विलोमों को छांटकर उनको आमने सामने लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है शिक्षा, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अशिक्षा, और यहाँ लिखा है धनवान, इसका जो विलोम होगा वो होगा निर्धन। धनवान मीन्स अमीर और निर्धन मीन्स गरीब। यहाँ लिखा है आशा और इसका विलोम है निराशा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं नया और यहाँ इसका विलोम लिखा है पुराना। फिर अगला है सरल, इसका विलोम है कठिन। अगला है खट्टा,
इसका विलोम है मीठा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इस जगह पर कुछ शब्द दिए हैं हमें, जैसे प्रगति, परिश्रम, अभिशाप, पराजय, विज्ञान। इन शब्दों में से हमें जो मूल शब्द है उसको छांटकर इस साइड लिखना है, इधर लिखना है, और जो उपसर्ग है उसका उसे हमें यहाँ लिखना है बच्चों। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर चलते हैं बच्चों। वहाँ मैं आपको एक एक शब्द छांटकर बता दूंगा कि ये इसका इस शब्द में ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, वहाँ से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं अपने पुस्तक के पृष्ठ बच्चों। अब हम आ गए हैं अपनी पुस्तक के पृष्ठ पर। यहाँ मैंने जो शब्द दिए थे उनके उपसर्ग और मूल शब्दों को छांटकर अलग अलग लिख दिया है। तो इसमें हम जो दूसरा शब्द है परिश्रम, तो परिश्रम में परि जो है उपसर्ग है और श्रम जो है वो मूल शब्द है। अब हम तीसरे शब्द की ओर चलते हैं जो है अभिशाप। तो अभिशाप में अभि उपसर्ग है, शाप मूल शब्द है। चौथा शब्द है पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। पांचवा शब्द है विज्ञान, विज्ञान में वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 6 को, जो है सही जोड़िए बनाइए। तो इधर इस साइड वाले शब्दों को हम इधर वाले शब्दों से जोड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी। तो इस वाले अनेकार्थी को हम मिलाएंगे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलें। ठीक है बच्चों, दूसरा जो शब्द है वो है पर्यायवाची, यानी कि एक जैसे अर्थ लिख लें, जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ लिख लें उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, तो इसे पर्यायवाची वाले को हम इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, और जो गा वाला है वो है ब्लोम। ब्लोम मतलब उल्टे अर्थ कैसे लिख लें, उल्टे अर्थ लिख लें या फिर विपरीत अर्थ लिख लें, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लोम। तो ब्लोम को हम इससे मिला देंगे। अगला है वो है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति यानी कि एक ही शब्द का दो बार आना, एक ही शब्द जब दो बारी रिपीट होता है उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति। ठीक है बच्चों, तो इसे हम इससे मिला देंगे। और अगला है वो है भिन्नार्थ, यानी कि उसका अलग अलग अर्थ लिख रहे हैं, जो सुनने में तो एक जैसे लगे हैं लेकिन उसके अलग अलग अर्थ लिख रहे हैं, तो भिन्नार्थ वाले को हम इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।